बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद फन। बच्चों, आज बात करेंगे सिंपल पॉइंट्स ऑफ फिजिक्स, सिंपल मैथमेटिकल पॉइंट्स। देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं उसका एक का एंगल है अल्फ़ा, सेकंड का बीटा, थर्ड का गामा, और इसका नेम दे देते हैं पी क्यू आर। बच्चों देखिए, ये जो बीटा एंगल है इसके आउटसाइड एक लाइन ऐसे बढ़ा देना है, और जो दूसरी लाइन आई है इससे एंगल ले लेना है, और इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अगर अंदर है तो ट्रायंगल के अंदर है तो इंटीरियर एंगल, आउटसाइड है तो एक्सटीरियर एंगल, और इसको मान लेते हैं थीटा वन। अब बच्चों देखिए, थीटा वन इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, बीटा को छोड़ देंगे, इसको आगे बढ़ा के मैंने किया है ना, तो बीटा को छोड़ देंगे, अल्फ़ा प्लस गामा। अब सेम देखिए, अल्फ़ा वाला एंगल जो है इसको बढ़ा देंगे आगे, इसको सेम इसी की तरीके से इसका भी कर लिए। अब देखिए, थीटा टू इक्वल टू बीटा प्लस गामा, अब सेम इसका आप बोलेंगे कि इसका दिखाना, तो इसका देखिए पी का है, इसको भी आगे बढ़ा दिए, इसका भी ले लिए थीटा थ्री, इसको मान लिया, ये गामा के पास है, ये गामा वाला मैंने किया है, तो गामा को ना लेकर और जो दो बचेंगे वो दोनों का सम, थीटा थ्री जो है इक्वल इंटीरियर एंगल सम, जो दो बच रहे हैं इसको छोड़ के, अल्फ़ा प्लस बीटा, थीटा थ्री अल्फा प्लस बीटा। और एक बार बच्चों इसको और देख लीजिए रिपीट में, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। आई होप ये लोग को आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट कीजिए, फिर से बता दूँगी मैं, या रिपीट मोड पर वीडियो देखिए तो 100% समझ आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, सेकंड पॉइंट बताने जा रही हूँ, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल ले लिया, बट इसमें क्या रहेगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, मीन्स कि दो भुजाएं बराबर होंगी इसकी, और इसका इसके बीच का एंगल थीटा मान लिया मैंने, ठीक। अब थर्ड, इसमें क्या करना है, थर्ड भुजाए का लेंथ बताना है मेरे को, तो देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, पहले सुनिए, अगर किसी आइसोसेलस ट्रायंगल दो भुजाएं पता हैं, ए पता है, इक्वल है ना, उन भुजाओं के बीच का एंगल पता है, तो तीसरी भुजा की लंबाई होती है। आई होप समझ आया होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी आइसोसेलस ट्रायंगल में दो भुजाएं पता हैं, उन भुजाओं के बीच का एंगल पता है, तो तीसरी भुजाओं की लंबाई होती है, वो तीसरी भुजाओं की लंबाई होती है। अब देखिए, एल इक्वल टू टू ए साइन थीटा बाई टू, एंगल हाफ हो जाता है, ये थीटा बाई टू। अब थीटा क्या, एंगल बिटवीन द साइज ऑफ इक्वल लेंथ, ये दो साइड का दिया था इसीलिए इसका नाम आइसोसेलस ट्रायंगल था, थर्ड साइड का मेरे को निकालना था तो उसका ये आ रहा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो तो, और अगर कोई कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट लगे तो बताना, मैं उसको कोशिश करूँगी कि पूरा हो। थैंक यू बच्चों।